अब हो ये मेरी सारी चीजें तैयार। बहुत ज्यादा ड्राई और मुझे मसाज करनी थी, लेकिन जो मेरा ऑयल है ना वो खत्म हो गया है। मैं खुद ही बनाती हूँ उसको, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, लेकिन उसमें एक चीज मैं मिक्स करती हूँ बताती हूँ अभी। और ना एक टोनर भी खत्म हो गया है, तो दोनों चीजें मैं खुद ही बनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले नहा के मैंने करी पूजा। तो ये मेरी एक जो है ना स्प्रे बॉटल है, जिससे कि मैं बालों में स्प्रे प्रिपेयर करती हूँ, आपके साथ शेयर किया है। ये भी मैं आज बनाऊंगी। और इसके साथ साथ मैं यूज़ करूंगी दो चीज़ों का जो मेरे हेयर केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और लंबे टाइम से यूज़ होती हैं। उसमें एक है ये कलौंजी का पाउडर। ये कलौंजी का पाउडर मैं चाहे हेयर मास्क हो, चाहे हेयर ऑयल हो, कुछ भी हो, उसमें यूज़ करती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन लिया था पिसा हुआ। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे जो कलौंजी होती है ना उसे पीस लीजिए। और इसको मैंने एक ग्लास बॉटल में भर लिया है। और ये है वो ऑयल जो कि आप बालों में लगाना, मतलब जो भी आप ऑयल लगाते हो वो, ये भी मैं घर पर ही बनाती हूँ हेयर ऑयल। इसको मैंने कलौंजी पाउडर के साथ मिक्स कर दिया है। देखिए कोई भी ऑयल ले लीजिए आप, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, कोई भी जो आपके पास हो। और ये देखिए एक बहुत ही अच्छा एक ऐसा ऑयल तैयार होगा जो ग्रे हेयर को ब्लैक करता है। और इसमें मैंने ये मेथी के दाने डाल दिए हैं साबत। इसको चला के मैं ना अब कुछ दिनों के लिए रख दूंगी धूप में। और ये एक इतनी बढ़िया चीज तैयार होती है कि अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो बालों का सफेद होना तकरीबन रुक ही जाता है। मैंने एक बार हेयर कलर किया था, उसकी वजह से थोड़े से बाल ज्यादा ग्रे हो गए हैं, लेकिन अब मैं इसको रेगुलर यूज करती हूँ। धूप में रख लीजिए इसको करीब 10 से 15 दिनों तक और फिर यूज करिए। चाहे तो इसमें करी पत्ता वगैरह भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास ना काफ़ी मैं जो गुलाब के फूल होते हैं वो मैं लेती हूँ, क्योंकि पूजा में यूज़ होते हैं वो डेली। और इन्हीं गुलाब के फूलों का यूज़ करती हूँ मैं अपने लिए कुछ चीज़ बनाने में, और वो होता है गुलाब जल, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टोनर है। और मैं ना प्योर चीज़ें थोड़ा सा यूज़ करने के लिए मैं विश्वास करती हूँ। तो देखिए मैंने ये कुछ गुलाब के फूल लिए हैं, देसी गुलाब है, और इसकी केवल जो पत्तियाँ होती हैं ना, पेटल्स होती हैं, वो मैंने निकाल ली हैं। वॉश करूँगी इसे आरओ वाटर से, और उसके बाद वही आरओ वाटर लूंगी मैं करीब आधा गिलास, और उसमें इन पत्तियों को डालूंगी और बॉयल करूंगी। गुलाब जल बनाने के ना बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ये इतना पानी हमें लेना है कि गुलाब की पत्तियां जो हैं इसमें डूब जाएं, बस इतना ध्यान रखिए। और उसके बाद ना इसको ढक के ही पकाना है हमें 2 से 3 मिनट केवल। और देखिए उसके बाद क्या होगा, ये जो पत्तियां हैं ये वाइट होनी स्टार्ट हो जाती हैं और ये अपना कलर छोड़ने लगती हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कलर नहीं है, लेकिन इसमें अपने आप कलर आ जाता है। इसको थोड़ा सा जब भी चलाएं इस तरह से कुछ हिला दें, और इसको मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक पत्तियों के सफेद होने तक पकाएं और ठंडा होने के लिए रख दें। और देखिए ठंडा होने के बाद इसका कितना अच्छा कलर आया है, और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया है। और इसको अब ना एक किसी भी स्प्रे बॉटल में आप जो है ना छान के रख लीजिए। ये आप कोई भी जैसे मास्क लगाते हैं, फेस मास्क वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसमें आप मिक्स करिए, आंखों में डालिए इसको। और मैं तो ना इससे एक खुशबूदार स्प्रे भी तैयार करती हूँ ठाकुर जी के लिए जो है खुशबू के लिए, या फिर इसे आप टोनर की तरह से इस्तेमाल करिए। और कलर आपने देखा ना कितना बढ़िया कलर आया है, और ये बहुत आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। मेरा तो ये मुश्किल से 15-20 डेज में खत्म हो जाता है। I'm not afraid of the dark.
अब जैसे आप फेस वॉश करते हैं ना, उसके बाद सबसे पहले आप स्प्रे करिए फेस पर इसी का, इस जो ये टोनर है ना जो हमने गुलाब जल का बनाया है, और उसके बाद आप अपनी कोई भी क्रीम हुई या सीरम हुआ उसको अप्लाई करिए। बहुत ही जैसे कहते हैं ना ताजगी सी रहती है इसको, जो होममेड गुलाब जल होता है इसको यूज करने से। पसंद है ना ऐसा खाना जो थोड़ा सा जो है चाइनीज हो, साउथ इंडियन हो, और इस टाइप का उसे पसंद है। और करण को बिल्कुल ट्रेडिशनल रोटी सब्जी पसंद है, वो बिल्कुल नहीं खाता है बाहर का खाना। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी रेसिपीज आज डिनर में ट्राई करूं जिसमें कि दोनों की पसंद हो। तो एक अलग तरीके का मैंने सोचा है और वो बना रही हूं। और ये सारी जो रेसिपीज मैं आपको बता रही हूं, आप कोई गेस्ट आए तो बनाओ, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छी लगती हैं ये खाने में। और मेरा तो वही कहना, बहुत कम इफर्ट्स में अच्छी चीज बन जाती है। तो चलो थाली देखते हैं कैसे बना रही हूं मैं। मिक्स वाली थाली है वो, मतलब, और ये थाली मैं बना रही हूँ डिनर के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे जाना है बाहर, काम है जैसे कि आपको पता है, वो लगातार मेरे चलते रहते हैं, तो वो काम करके आऊंगी। और कुछ थोड़ा सा सामान पूजा का भी लेके आना है, वो भी करना है, और फिर आके मैं करूंगी। तो चलें अपने काम पे लगें। और इस नए स्टाइल की जो मैं थाली बनाने जा रही हूँ, इसमें मैं बनाऊंगी चार रेसिपीज जो कि बिल्कुल एक के बाद एक फटाफट बन जाती हैं। मुश्किल से आपको इसमें एक घंटे का टाइम लगेगा। पनीर कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली प्याज, मतलब चार पांच प्याज ले ली हैं और इनको स्लाइस में कट कर लिया है, देखिए कुछ इस तरह से। और ये ड्राई होने चाहिए, ध्यान रखना है। और मैंने गर्म पानी में थोड़े से काजू और बादाम भिगो दिए हैं। अगर आपके पास केवल काजू हो या केवल बादाम हो उससे भी काम चल जाएगा। और इसके बाद जो है हमें जो ये प्याज हमने कट करी है इसको बिल्कुल सुनहरा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। पनीर को जब कभी भी हम थोड़ा सा भी फ्राई करते हैं तो वो पानी छोड़ता है, इसलिए पनीर के मैंने काटे हैं मोटे मोटे क्यूब्स, और इसको थोड़ा सा जो है ना नैपकिन से मैंने इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको पोंछ लिया है। और थोड़ा सा ऑयल डाल के हमें इन्हें, मतलब थोड़ा सा भूनना है। ऊपर से आप लाल मिर्च हुआ और धनिया पाउडर हुआ उसको भी डाल दीजिए। और जो हमने प्याज फ्राई करी थी उसमें से थोड़ी सी तो हमने प्याज निकाल ली है और थोड़ा सा पनीर रख लिया है। और अब जो हमने अपना पनीर रोस्ट किया है उसको हम डालेंगे एक पानी में, जिसमें हल्दी और नमक मिला के हम रख देंगे। और इसमें देखिए इन मोटे मोटे टुकड़ों को डाल देंगे, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा। और अब काजू हुए, बादाम और जो हमने प्याज फ्राई करी है उसको लेंगे और उसमें एक चम्मच दही डालकर हम इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसी से ही पनीर कोरमा की ग्रेवी तैयार होगी और इसमें हमने कोई भी गरम मसाला नहीं डाला है। जीरा, दालचीनी, लौंग और इलायची, यह है जिंजर गार्लिक पाउडर, इसका यूज करूंगी मैं। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट या पाउडर डालने के बाद सारे मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च जो पिसे हुए होते हैं ना, ये मैंने डाल लिए, थोड़ा सा इनको भूना है। और अब इसमें डालेंगे वही पेस्ट जो कि हमने तैयार किया था, और मिक्सी में से पानी निकाल के, मतलब थोड़ा सा पानी घुमा के वो भी डाल लेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और थोड़ा सा इसको पतला भी कर लेंगे। अब डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी और जो हमने प्याज फ्राई करी थी वो डालेंगे। इसके बाद डालेंगे नमक, गरम मसाला और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरह से। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। और पनीर के क्यूब्स देखिए कितने मुलायम से हो रहे हैं ना, बिल्कुल बढ़िया। और इनको भी इसी में हम मिक्स कर देंगे। और लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी चीनी, क्योंकि ये मीठा होता है। ऊपर से पनीर कस के डाल देंगे और क्रीम डाल देंगे ऊपर से, और हो गया हमारा बहुत ही बढ़िया पनीर कोरमा रेडी। और अब मैंने लिए हैं ये मशरूम, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम गार्लिक बटर। थोड़े से ये मैंने व्हाइट तिल लिए हैं और ये है
कटा हुआ गार्लिक बिल्कुल फाइनली चॉप मैंने कर लिया है, तो चलो बनाते हैं। बटर गार्लिक मशरूम बनाने के लिए एक चम्मच देसी घी लिया और थोड़ा सा इसमें हमने डाला मक्खन यानी कि बटर, और जो चॉप्ड हमारे गार्लिक थे ना उनको डाल के इसके साथ ही हम डाल देंगे अपने जितने भी मशरूम्स हैं वो, और इनको ना अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसी भूनने के प्रोसेस में मशरूम गल जाते हैं और ये एक इतना मतलब इतनी टेस्टी बनेगी ना ये रेसिपी, और फटाफट 5-10 मिनट्स में ये बन जाती है। 2-3 मिनट में देखिए इस तरह से मशरूम हो जाएंगे। और अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, जैसे कि अब सबसे पहले तो जो तिल है ना सफेद वाले तिल होते हैं वो डालें, ओरिगेनो डाल दीजिए, पिसी हुई काली मिर्च डाल दीजिए, और जो चिली फ्लेक्स होती हैं उनको डालना है, और नमक के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी सोया सॉस। उसके बाद हम इनको मिक्स करेंगे और देखिए 2-3 मिनट के बाद इतने बढ़िया हमारा ये पनीर गार्लिक बटर और मशरूम रेडी है। ये बन गए मेरे बटर गार्लिक मशरूम, इसमें है पनीर कोरमा, और अब मैं बनाने जा रही हूँ रायता, और रायता मैं बनाऊंगी मखाने का। तो मखाने का रायता बनाने के बाद जो है फिर मैं बनाऊंगी, बताती हूँ अभी क्या बनाऊंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा रायता जो कि थोड़ा सा दही बड़े का टेस्ट देता है, लिए मखाने और इनको थोड़े से ऑयल में हमने भून लिया, बिल्कुल क्रिस्पी से ये हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको एक थोड़ी सी पतली दही में मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद ऊपर से जो भी आप रायते में मसाले डालते हो, जैसे लाल मिर्च हुआ, भुना जीरा हुआ पिसा हुआ, और काला नमक हुआ, ये सब डालकर, और ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ता, और ये हमारा 5 मिनट्स में बनने वाला एक स्पेशल मखाना रायता रेडी है। लच्छा पराठा बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मैंने मिलाया है, और जो अजवाइन होती है ना उसे हाथ से क्रश करके डाल दिया इसमें, और इसी तरीके से जो साबुत धनिया होता है उसको भी लिया और हाथ से क्रश करके बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये है कसूरी मेथी, और इसके बाद इसमें ये जो धनिया है धनिया की पत्ती डाल देंगे, नमक डालेंगे इसमें, और उसके बाद हम इसका एक रोटी जैसा मुलायम आटा प्रिपेयर कर लेंगे। और पनीर कोरमा, और अब मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। शानू आओ बेटा खाना परसों अपना, और सब चीजें गरम करूंगी, और अब हम सब लोग गर्मा गर्म खाएंगे। और जो लच्छा पराठा बनाएंगे ना बहुत ही आसान है वो भी बनाना, और जल्दी में उसे कैसे बनाएं वो बता रही हूँ। और इसमें भी मैं एक मसाला भरती हूँ, जो पराठा का मसाला होता है वो, या फिर अगर आपके पास पराठा मसाला नहीं है तो केवल आप जो है गरम मसाला, चाट मसाला, और थोड़ी सी आप लाल मिर्च ले लीजिए, धनिया मसाला, वो डाल के ऑयल में फिर आप लगा सकते हो। तो चलो अब मैं बनाती हूँ। लच्छा पराठा बनाने के लिए पतली सी रोटी बनाई, उस पर लगाया थोड़ा सा घी, और जो भी आपके पास मसाला हो पराठा मसाला, या जैसे मैंने बताया आपको पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला वगैरह डाल लीजिए। और उसके बाद देखिए कट लगाने हैं, बिल्कुल किनारे से नहीं लगाने हैं, बीच में लंबे लंबे जैसे हम मटरी काटते हैं ना वैसे इसमें कट लगा देंगे, और उसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से रोल कर लेंगे। बिल्कुल देखिए उठाते हुए जो भी कटे हुए पीसेज है ना उनको उठा लीजिए इस तरह से, और ये पराठा बनाने का बिल्कुल एक ऐसा तरीका है जिससे बहुत सारी लेयर्स जो हैं तैयार हो जाएंगी और बहुत टेस्टी भी लगेगा। अगर देखिए इस तरह से हो गया ना, अब इसको बिल्कुल जैसे पराठे को फोल्ड करते हैं ना लच्छे पराठे को, वैसे ही फोल्ड कर दीजिए और बस इसको बेल के सेक लेना है। अगर आपके पास कोई भी मसाला नहीं हो तो जो अचार का मसाला होता है ना, आम के अचार का मसाला, वो भी आप इसमें जो है भर सकते हैं, और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा बहुत ही बढ़िया धीमी आंच पे सिकने वाला लच्छा पराठा। और जो ये थाली हमने बनाई है ना इसमें तो स्वाद हमें अपने देश का भी मिलेगा और बाहर का भी, क्योंकि हमने जो मशरूम्स बनाए हैं वो थोड़े से अलग स्टाइल के बनाए हैं। और देखिए अब ये रेडी हो गया मेरा बहुत ही बढ़िया एक ऐसा डिनर जो कि दोनों बच्चों को बहुत पसंद आएगा, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिए। तैयार
तैयार हो गई। देखो ये मेरी पूरी थाली जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सिंपल फटाफट बनने वाली, और अब बच्चे खाएंगे खाना। और पराठा बहुत अच्छा बना है, बहुत क्रिस्पी सा बना है, बिल्कुल ये मोड़ेंगे ना तो इसकी सारी परतें निकल आएंगी, दिखाती हूँ आप। देखो कितनी सारी लेयर है ना, देखो इसकी सारी लेयर खुल रही है, बहुत सारी लेयर, और देखो किनारे तक लेयर है, बिल्कुल जैसे मिलता है ना रेस्टोरेंट में। और देखो यूं करेंगे, देखो बिल्कुल टूट गया ना, कितना बढ़िया पराठा है। चलो बच्चों खाओ, बहुत टेस्टी लगेगा, चलो आ जाओ। करण खाना ले ले और खा के ये बताना है कि कैसा बना है, ठीक है? ठीक है, क्योंकि शानू ने तो कल रिव्यू दे दिए थे, आज तू देना, ठीक है? शानू का और परोस लेते हैं। शानू आओ बेटा, पराठे सीख रहे हैं बस, फटाफट फटाफट। बढ़िया बना, सब बढ़िया बना। बस तुझे तो एक वर्ड आता है, बढ़िया। कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी करण? ये वाली सब्जी, पनीर कोरमे वाली। और शानू तुझे? मशरूम भी बढ़िया। मशरूम बढ़िया, तुझे क्या अच्छे लगे? मशरूम अच्छे लगे। चलो बढ़िया, खा लो, मैं फटाफट बना के ला रही हूँ। ओके तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आज पूरे दिन बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाई और मतलब बड़ा अच्छा सा लगा, बाहर भी गई। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।